नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पेरिस में तीसरे दिन भी गोलीबारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी गोलीबारी हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार साप्ताहिक पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को उत्तर पूर्वी पेरिस के इसी इलाके में देखा गया था। उल्लेखनीय है कि बुधवार को मीडिया दफ्तर में हुए इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। भारतवंशियों से हम मन का रिश्ता चाहते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सरकार न सिर्फ विश्व भर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के निवेश को देख रही है बल्कि भारतवंशियों से गहरे संबंध भी बनाना चाहती है। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि कृपया यह न सोचें कि हम सिर्फ आपके निवेश को देख रहे हैं, यह धन का रिश्ता नहीं है बल्कि मन का रिश्ता है। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री का यौन शोषण। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जिसने एक अभिनेत्री को फिल्म में काम दिलाने के बहाने उसका कई बार यौन शोषण किया। पुलिस ने बताया कि चारकाप उपनगर के मुफद्दल घड़ियाली अभिनेत्री से पहली बार दिसंबर के पहले हफ्ते में मिला था। उसने अभिनेत्री से कहा था कि वह अपनी फिल्म के लिए अभिनेत्री ढूंढ रहा है। कुछ दिन बाद उसने अभिनेत्री को रोल के लिए उपयुक्त बताया और उसे 3 लाख रुपये की पेशगी देने और फिल्म साइन करने के लिए अपने घर बुलाया। घर पर अभिनेत्री ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इसका जश्न मनाने के लिए घड़ियाली ने उसे कुछ पीने को दिया जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में उसे पता चला कि उसके साथ यौन दुराचार हुआ है। आतंकवाद समर्थक बसपा नेता याकूब पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं बसपा नेता याकूब कुरैशी के खिलाफ उनकी उस विवादास्पद टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने फ्रांस की व्यंग पत्रिका शार्ली एब्दो पर आतंकी हमले का पक्ष लिया था। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि कुरैशी के खिलाफ बीती रात कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 97 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उसने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए। इस तरह अब तक ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 348 रन हो चुकी है। कल खेल का अंतिम दिन है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।